एग्जामिंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टाइप्स का है, जो एसएससी, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीआईएसएफ, जितने भी गवर्नमेंट्स रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो बहुत ही सिंपल वे में चलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट के साथ, और इसका शॉर्टकट फार्मूला भी देखेंगे कि किस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 50। मतलब यहाँ बोल रहा है कि लेस देन 50, मतलब 1 से 50 के बीच में, ठीक है, 3 से कितना ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल्स है। तो जैसे सपोज करो 1 to 50 हमको लिखना है, ठीक है, 1 to 50 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 3 के, ठीक है, उसका सम निकालना है। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, पहले तो 3 होगा खुद, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा जो कि 3 का मल्टीपल है, उसी तरह 12, 15, इस तरह से अगर चले तो लास्ट में क्या होगा, 50 से लेस देन 50 यानी तो क्या होगा 48, जो कि 3 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा यानी 3 का मल्टीपल होगा। तो ये मल्टीपल क्या हो गया, 3, 6, 9, 12, 15, 48। अब इसका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब जितना है इसका मल्टीपल्स 3 का जितना क्या है मल्टीपल्स है उसका मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, इसको लिखना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं है फार्मूला, ठीक है, क्या फार्मूला यूज करें कि बहुत कम टाइम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ सकता है। तो आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे 3, 6, 9, 12, 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, इस तरह से 48। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता है कि टोटल कितना है, 3 से 48 के बीच में कितना नंबर है ये भी नहीं पता है कितना नंबर आएगा। अगर आप पूरा लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसका पहले नंबर निकालूं कि 3 और 48 के बीच में कितना नंबर है, तो नंबर मतलब टी एन इक्वल टू क्या होता है, a+n-1d। यहाँ पे TN मतलब हो गया nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म जो है ये क्या है nth हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, और A मतलब फर्स्ट टर्म, पहला पद इसका क्या है 3 है, N हो गया क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है या कितना नंबर ऑफ इसमें कितना है डिजिट, 3, 9 इस तरह से अलग अलग, ठीक है, संख्या कितना है, डिजिट नहीं संख्या। उसके बाद आपका डी हो गया कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको इस फार्मूला पे क्या निकालना पड़ेगा, कितना इसमें कितना पद है, ठीक है, एन मतलब कितना नंबर है इसमें टोटल। तो टी एन आपको पता है कितना है 48, तो 48 रख दीजिए, ए पता है आपको 3 है, प्लस एन क्या है, एन निकालना है क्योंकि कितना है 3 और 48 के बीच में कितना संख्या है टोटल वो निकालना है, मुझे नहीं पता। और डी क्या है, डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस मतलब होता है कि जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड और सेकेंड के बीच में, तो डिफरेंस यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पे 3, सब जगह क्या है 3 डिफरेंस है, क्योंकि मल्टीपल्स 3 है तो सब जगह क्या होगा डिफरेंस 3 होगा। तो जब 3 का डिफरेंस होता है तो उसको हम एपी में लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब होता है जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो भी डिफरेंस है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का होना चाहिए, फोर्थ और थर्ड का होना चाहिए, इस तरह से कंटिन्यू जब चलता रहेगा तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एनवा पद अगर आपको निकालना है तो टी एन इक्वल टू फार्मूला आता है a+n-1 d। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको n पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे लिख देता कि इसमें कितना पद है टोटल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 less than 50 में कितना पद है, तो n निकाल के वहाँ से आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सम बोला है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। क्यों n, n का यूज होगा किसमें, जब हम सम निकालेंगे, ठीक है।
अब देखो 48 यहाँ है इक्वल टू 3 + n - 1। और डी क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। डी मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका 3 है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, तभी जाके ये फार्मूला वैलिड होगा। यहाँ 3 आ रहा है, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 0.5, कुछ भी आएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा उस एपी में, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तब जाके ये फार्मूला वैलिड है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला पे हम क्या निकालेंगे, 3 + n - 1 × d। डी क्या हो गया, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 3 है, तो अब कर दो, 48 यहाँ है, 3 पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 इक्वल टू 3n - 3। तो इधर 3 आ जाएगा पॉजिटिव, तो 48 इक्वल टू 3n, अगर लिखें n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48/3, तो कितना हो जाएगा, 16। अगर इस क्वेश्चन में मुझे पूछता कि ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 < 50 में कितना नंबर है, कितना संख्या है, कितना लिखते हैं, 16 लिखते हैं। अब लेकिन यहाँ पे सम पूछा है, तो सम का अगर आपको फार्मूला निकालना है तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो गया। ठीक है, सम का फार्मूला आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, सम का फार्मूला, क्योंकि मुझे सम निकालना है, तो कितना इस सब को जोड़ेंगे तो कितना सम आएगा, सम इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 d। अब देखो n/2, n कितना निकल गया, 16, 16 में 2 से भागा दोगे तो कितना होगा, 8, 2a, 2 × a, a क्या है फर्स्ट टर्म, तो 3 × 2 = 6, प्लस n आपको पता है 16 - 1 क्या हो जाएगा, 15, इंटू डिफरेंस क्या है, 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 15 × 3, 45 + 6 कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा, 51। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 408। तो ये 408 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 408, मतलब 408। इसका सही आंसर क्या होगा, 408। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है, इसको समझना है कि ये जो सीरीज़ दिया हुआ है एपी में है कि, तो इसमें अगर एपी में है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अगर पहले तो यहाँ n निकालेंगे, क्योंकि यहाँ n निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या किए, n का मान पुट किए, तब जाके सम का वैल्यू आ गया, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आया इतना। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 20 और 60, और 20 और 60 के बीच में प्राइम नंबर, तो आपको पता है प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो कि खुद से डिविजिबल हो, उसके अलावा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। सपोज करो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, तो इस तरह से क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी 13 है, फिर 17 है, फिर क्या है, 19 है, 23 है। अगर कोई पूछेगा कि 50 तक में कितना प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ 20 और 60 के बीच में बोला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 में सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 सिर्फ 3 से, 5 सिर्फ 5 से, उसी तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है 20 और 60 के बीच में, 20 और 60 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, उसका सम पूछ रहा है। तो 20 के बाद क्या होगा, 21 तो नहीं होगा, 22, 23 होगा, 23 क्या है, प्राइम नंबर होगा, 24 भी नहीं होगा, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर क्या होगा, 37 के बाद क्या होगा, आप देखो 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं, 43 होगा, इस तरह से 44, 45, 46, 47 होगा, फिर क्या है, 48, 49, 50, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53, 53 क्या है, 53 में सिर्फ 53 से भाग लग सकता है, 54, 55, 56, 57, 57 में 19 × 3 की जगह 57 हो जाएगा, ठीक है, तो 58, 59 नहीं होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, 20 और 60 के बीच में क्या हो गया, ये 20 to 60 के बीच में क्या है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, 20 और 60 के बीच में, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। अब इसका सम बोल रहा है, तो सम आप यहाँ पे देख सकते हो, इस सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस आप देखो तो यहाँ 23 और 6 के बीच डिफरेंस है, फिर 2 है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है,
तो यहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो उसमें आपको ज़्यादा रेंज ज़्यादा नहीं देगा, ऐसा नहीं दे देगा कि 20 और 200 के बीच में निकाले, उसमें क्या कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, जब इसको सिंपल जोड़ेंगे 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, तो टोटल जो सम होगा क्या होगा, 363 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 363। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इन टू डिजिट इज। तो यहाँ भी प्राइम नंबर के बारे में पूछा है, और दो डिजिट में लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। देखो दो डिजिट का मतलब क्या हो गया कि 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट इसमें प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो 99 तो होगा नहीं, 98 भी नहीं होगा, तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 97 होगा, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट प्राइम नंबर आ गया, पूछ रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट, तो 97 में कितना डिजिट है, एक 9 है 7 है, इसका क्या बोल रहा है, सम किसका, स्क्वायर का। तो जैसे जैसे बोल रहा है आप वैसे करो, सम निकाला किसका, जो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर का सम, ठीक है, जो डिजिट का स्क्वायर है। तो डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर दिए, फिर क्या कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो गया, 81 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 130। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 130। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोलता है, ठीक है, वैसे वैसे आप करो तो आपको आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 21 एंड 51 इज। 21 और 51 के बीच में जितना भी इवन नंबर होगा उसका सम निकालना। जैसे क्या क्या पहला क्वेश्चन किए थे कि 50 से लेस देन, मतलब लेस देन 50 से जो भी 3 का मल्टीपल है उसका सम निकाले थे, लेकिन यहाँ पे द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 21 एंड 51 इज। अगर आप इसको करोगे तो कैसे करोगे, आपको इवन नंबर लिखना पड़ेगा क्या, तो इवन नंबर कितना, 21 एंड 51 के बीच, तो इवन नंबर क्या हो जाएगा, 21 तो होगा नहीं, तो 22 होगा, फिर 24 होगा, दो दो जोड़ते जाओ, 30, लास्ट क्या हो जाएगा, इस तरह से 50 हो जाएगा। 51 तो इवन नंबर है नहीं, 51 क्या है, ऑड नंबर। अब जितना भी नंबर है इस सब का क्या होगा, सम निकालना है, तब जाके आंसर आएगा। तो आपको भी पता है कि अभी मैंने बताया था कि एक किस तरह का सीरीज है, तो एपी का है, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका डिफरेंस क्या है, 2, इसका क्या है, 2, इसका क्या है, 2। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तब आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, पहले आप टी एन निकालोगे, टी एन इक्वल टू क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन मतलब एनवा पद कितना दिया हुआ, 50 है, तो टी एन की जगह 50 आ जाएगा। ए है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 22 है, प्लस एन आपको निकालना है माइनस वन, और डी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, तो 22 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया, 50 में से 22 गया, 28 में डायरेक्ट लिखता हूँ ताकि कम टाइम लगे, ठीक है। फिर 28 प्लस 2 30, तो 2n इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 30, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, यानी n आ गया 15। अब आपको एक फार्मूला क्या बताए थे, सम का, क्योंकि मुझे सम निकालना है, सम इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। अब देखो n क्या है, 15, तो 15 बाई 2 हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए 22 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 44 प्लस एन आपको पता है 15 माइनस 1 14 इंटू 2 हो जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, तो 15 बाई 2 इंटू 44 प्लस 28 है, तो इसको अगर करेंगे 15 बाई 2 इंटू, अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72, 2 से कट जाएगा 36, तो आंसर क्या हो जाएगा, सम नीचे लिखता हूँ, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 36। अगर 36 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
छत्तीस इंटू पंद्रह करके देखिए कितना आएगा, 36 × 5 = 180 और टोटल कितना हो जाएगा 360, कितना हो गया 540। तो क्या हो जाएगा आंसर 540। इसका सही आंसर क्या होगा 540। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का भी आप आंसर निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है। अगर नंबर सिस्टम के बारे में पता है, आपको फार्मूला पता है, ठीक है, अगर एपी में है तो किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर नेचुरल नंबर सीरीज में है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। अब देखो पूछ रहा है कि फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम का इसमें से कौन सा फैक्टर है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि गिनती की संख्या होता है। एग्जांपल जैसे 1 से स्टार्ट करके अप टू एन कहीं भी जा सकते हो, तो 1 से जो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। तो कितना बोल रहा है फर्स्ट 25, तो नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का 1 से लेकर 25 के बीच में, इसका क्या है मुझे सम निकालना है। तो देखो नेचुरल नंबर का जब भी आएगा ना, तो नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना है तो उसका फार्मूला होता है सिंपल, अगर क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या होता है सम निकालने का फार्मूला अगर नेचुरल नंबर दिया हुआ। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर क्या है 25 है, तो एन की जगह 25 हो जाएगा इंटू 25 + 1/2। 25 × 25 + 1 कितना हो जाएगा 26/2, ये 13 से कट गया, 25 × 13 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 325 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन को जैसे मल्टीप्लाई करके 325 आया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। तो कितना आ रहा है 25 × 13, तो किसका है फैक्टर में देखिए 13 आंसर है, इसमें क्या है याद हो 25 रहता वो भी आंसर हो जाता, यहाँ पे 13 है तो 25 × 13 किए तब जाके इतना आया ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि फैक्टर पूछ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर नेचुरल नंबर दिया हुआ है 1 से 25 तो सम निकालो, यहाँ पे सपोज करो 1 to 500 दिया रहता, 1 से 500 के बीच में जितना भी नंबर है उसका मुझे अगर सम निकालना होता तो ये फार्मूला लगा देते सम इक्वल टू एन, एन कितना है 500 है इंटू 500 + 1 होता 2, कितना हो जाता 500 × 501/2 होता, ये 250 से कट जाता। अब इसके बाद इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वही आपका क्या होता है आंसर होता है, सिंपल है। इसमें देखिए एक तो नेचुरल नंबर ये हुआ, एक होता है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, अगर स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर जो भी होगा तो उसका अलग फार्मूला होता है, ठीक है, उसका क्या फार्मूला होता है वो हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी उसके ऊपर क्वेश्चन जब करेंगे तो उसका अलग से फार्मूला होगा, वो हम आपको उस टाइम सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4 कंजुगेटिव इवन नंबर, 4 लगातार सम संख्याओं का, ठीक है, सम पूछ रहा, सम ऑफ द 4 कंजुगेटिव इवन नंबर मतलब 4 लगातार सम संख्याओं का योग दिया हुआ कितना 748, द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज। तो अब देखो आपको पता है कि सम संख्या जो है क्या होता है, सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें हम 2 से क्या कर सकते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं, उस संख्या को अगर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता तो वह सम संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लेट मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, मान लेते हैं लेट स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना है x है, तो आपको पता है 4 कंजुगेटिव तो पहला तो x है ही, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, ठीक है, ये पहला हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा x + 4 और तीसरा क्या हो जाएगा x + 6, तो ये क्या हो जाएगा कंजुगेटिव इवन नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, इस चारों का सम क्या बोल रहा है कितना है 748, बस हो गया। अब यहाँ से x कम निकल गया, तो x x 4x है तो 4x हो जाएगा
प्लस टू प्लस फोर सिक्स, प्लस सिक्स क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 7, 4 8 तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 3 6 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, 3 6 बाई 4 कितना हो जाएगा 18 और 4 कितना हो जाएगा आंसर 184, तो 184 इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो बहुत सिंपल वे में। तो नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों के जैसा मैं अभी मैथ के ऊपर नंबर सिस्टम पे अभी स्टार्ट किया हूँ आज, ठीक है, तो ये सीरीज चलता रहेगा, डे बाय डे नया नया वीडियो आएगा। अभी लेकिन नंबर सिस्टम पे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन करवाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपलोड वीडियो करता हूँ मैं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए टाइम टू टाइम मिल सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।